महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हो, 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के शाजापुर में जन आक्रोश यात्रा को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सरकार के साथ पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है। जितना भ्रष्टाचार भाजपा के लोगों ने यहां किया है, उतना पूरे देश में नहीं किया। बच्चों के फंड, मिड डे मील के फंड चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में भाजपा ने पैसा चोरी किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून भाजपा के सांसद और विधायक नहीं बनाते। एक और सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के सभी ओबीसी से पूछता हूं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सरकार में आपकी भागीदारी है, आप बताएं इन 90 अफसरों में ओबीसी कितने हैं? एस और बीजेपी, एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे, ये भैया इनको दिखाई नहीं दे रहा है। भैया प्रेस वाले थोड़े नीचे हो जाएं तो लोगों को दिखे। बात सही है, क्योंकि प्रेस वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे ही नहीं। तो एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ गोडसे, एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। अब देखिए, जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। अब हुआ क्या, अब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। जो उन्होंने जनता के साथ किया, अब जनता उनके साथ कर रही है। और इसीलिए हमने ये 7 यात्राएं, जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले और मध्य प्रदेश से पैदल निकले। कमलनाथ जी कितने किलोमीटर चले थे हम यहां? नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में टोटल कितने चले थे? नहीं नहीं नहीं, यात्रा कितने किलोमीटर चली थी? लगभग 180 किलोमीटर। हाँ, ये देखिए 370 किलोमीटर हमारी यात्रा मध्य प्रदेश में चली थी। किसानों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं बहनों से मिले। मुझे सिर्फ 2-3 बातें कही। सबसे पहले, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। और जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में यह नहीं किया है।
बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हो, 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लीक किए जाते हैं, यह इनका राज है। दूसरी बात, किसानों ने अपनी बात बताई। किसानों ने कहा, और यहां आप सोयाबीन उगाते हो, आप इसको सबसे अच्छी तरह समझोगे, कि हमें मध्य प्रदेश की सरकार सही दाम नहीं देती है। अब आप जाइए छत्तीसगढ़ में, जाइए पास, जाइए दूर नहीं है, छत्तीसगढ़ जाइए और छत्तीसगढ़ के किसी भी किसान से आप पूछिए, छत्तीसगढ़ में धान के लिए किसानों को कितना पैसा मिलता है, कांग्रेस की सरकार कितना पैसा देती है। हमने वायदा किया था 2,500 रुपए धान के लिए दिए जाएंगे, और छत्तीसगढ़ में जो हमने वायदा किया वो हमने वायदा पूरा